हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सिम। यहाँ पर एक मैच हो रहा है मेजर लीग सॉकर का, स्पोर्टिंग कैंसास वर्सेस इंटर मियामी के बीच। तो बात करें, यह मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रही, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। एंड बात करें अगर हम इस मैच की, तो स्पोर्टिंग कैंसास एंड इंटर मियामी में मैं फेवर करूँगा मियामी को। एक्चुअली मियामी सिर्फ मेस्सी के कारण कह रहा हूँ, एक्चुअली अगर मेस्सी ना होता तो शायद मैं इस टीम को कभी फेवर ना करता। इंटर मियामी सिर्फ मेस्सी के कारण स्ट्रॉन्ग है, और इंटर मियामी का बड़ा एक ड्रॉबैक ये चल रहा है कि उनके कई प्लेयर इंजर्ड चल रहे हैं इन दिनों, और मैसी को छोड़ के। मैसी पहले इंजर्ड था, अब ठीक हो गया है। और स्पोर्टिंग कैंसास का कोई ड्रॉबैक नहीं है भाई, बहुत अमेजिंग टीम है। तो स्पोर्टिंग कैंसास इनको हराने को देखेगी, एक्चुअली देख भी सकती है, बड़ी टीम है भाई, सोच भी बड़ी होगी स्पोर्टिंग कैंसास की। कोई ऐसी छोटी मोटी टीम नहीं है कि ऐसी कोई बहुत बड़े लेवल की टीम है स्पोर्टिंग कैंसास, इसलिए बराबर की टक्कर रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें, देखिए भाई, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर लियोनेल मेस्सी पहले तो आपको गेम प्ले में दिख जाएगा। एक्चुअली बहुत दिनों से इसे मसल इंजरी चल रही थी, और जैसे ही वापसी की, आते ही 7 अप्रैल को कोलोराडो रैपिड्स के अगेंस्ट कर दिया गोल, और जबकि सब्स्टिट्यूशनल गोल था। उसके बाद एक और मैच, नहीं उसके बाद कोई मैच नहीं हुआ था, उससे पहले एक मैच हुआ था, उसमें भी सब्स्टिट्यूशन गोल किया था। मतलब मेस्सी अभी पूरी करंट फॉर्म इसकी तगड़ी है। नेल सोरेस की बात करें, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, जबकि लुइस सोरेस बिल्कुल फ्लॉप हो चुका था। लुइस सोरेस इतनी अच्छी फॉर्म में दिखा है, और मैं काफ़ी खुशी हो रही है कि दो, जब ये यंगस्टर थे, जब ये आई थिंक 20-20 साल के हुआ होंगे कभी, तो ये दोनों एक साथ बार्सिलोना में भाई बहुत समय भी खेला है इन्होंने, जब ये बिल्कुल 25-26 साल के थे। इनकी टीम में नेमर भी हुआ करता था, बड़ी लेवल की टीम थी वो भी। तो आज इन दोनों को फिर एक साथ देख के भाई अच्छा सा लग रहा है मेरे को। एंड ऑपोजिशन टीम की बात करें, डब्ल्यू अगाड़ा पक्का गोल करेगा, लिख लो भाई, मैं पहली बता रहा हूँ, अगाड़ा की सिलेक्शन 1% है, गोल आएगा ही आएगा, पहली बता रहा हूँ, ओपन बता रहा हूँ वीडियो में, सुन लो। एंड बात करें मिडफील्डिंग की, तो यहाँ पर देखिए सर्जियो बेस्कोट्स को नहीं लेना आपने, और ग्रेसल की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेसल को वो लोग लेंगे जिनको लगता नहीं कि क्लीन शीट लगेगी। अब जैसे कि मैं ओपन बोल रहा हूँ कि स्पोर्टिंग कैंसास का गोल आ सकता है, अगर वो गोल कर जाता है, मान लीजिए अगाड़ा ने सच्ची 99% अगर मैं इतनी श्योरिटी दे रहा हूँ, हो सकता है अगर गोल हो गए तो फिर तो क्लीन शीट गई हाथ से। इसलिए ग्रेसल और गोमेज़ ले लो, क्योंकि आर टेलर नहीं खेल रहा, अब इसको मसल इंजरी हुई हुई है, जबकि आर टेलर अपनी टीम का सबसे मेगा स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनकी टीम का प्लेयर है, अब वो नहीं खेला, देन गोमेज़ है। एंड ऑपोजिशन टीम की बात करें, देन मैं वॉल्टर को अगर खेलता देखा तो अच्छा लगेगा, नहीं खेला तो बदल देंगे, अभी आप सेफ करो। उसके बाद रसल को मैं आज पक्का लूँगा, मैं रसल को बहुत दिनों से ले नहीं पा रहा, मैं रसल की तारीफ तो इतना करता हूँ, फिर जब लेता नहीं तो मैं कई बार बोलता भी हूँ फॉर्म में नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहूँगा। एंड बात करें डिफेंडिंग की, जॉर्डी आल्बा नहीं खेलेगा, लास्ट मैच में रेड कार्ड मिल गया था अपनी गलती के कारण, और इसलिए मैं वाइल्स को लूँगा। वाइल्स के बाद अपना एस क्रिस्टॉफ के बाद आई फ्रे इंजर्ड है, एंड एलन शायद दिख जाए, एलन का मेरे को पक्का नहीं है, एलन दिखा तो दिखा, नहीं तो बदल देंगे। एंड बात करें गोल कीपिंग की, टीम इला को लेंगे, टीम इलिया इज़ अ गुड प्लेयर, टीम मिलिया ठीक है। एंड अगर आगे से अगर बात करूँ तो मेरा कैप्टन है मेस्सी, एंड मेरा वाइस कैप्टन है सोरेस। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।